फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक ये BMS का जो फाइनल ईयर है उसका सिलेबस है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोगों को ये टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये हम लोग को दिया क्यों गया है, ठीक है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक ये हम लोगों को क्यों दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिससे मैं बताऊंगा कि रिसर्च एंड स्टैटिक हम लोग को क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमारा जो आयुर्वेद का जो साइंस है वो हजारों साल पहले का है। वो टाइम पे हम लोग का जो बॉडी का वेट था, हाइट था, कुछ अलग था, और अभी के टाइम पे हमारा जो बॉडी का वेट और हाइट जो है एकदम अलग है। तो हमारा जो साइंस है वो टाइम का साइंस है। कौन से टाइम का? हजारों साल पहले का, ठीक है। वो टाइम पे हमारा जो बॉडी का साइज बड़ा था तो उस टाइम पे हम लोग जो भी मेडिसिन यूज करते थे उसके अकॉर्डिंग यूज करते थे, वो बॉडी के हिसाब से। और अब हमारा बॉडी का साइंस एवोल्यूशन के वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो इसीलिए जो मेडिसिन का जो डोज है उसको भी हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये सब करने के लिए हम लोगों को फिर से उन चीजों पर रिसर्च करना होगा और उसका जो डोज है उसको वापस प्रॉपर वे में एडजस्ट करने के लिए हम लोग को फिर से स्टैटिस्टिक की मदद से उसको फिर से एडजस्ट करना होगा, जिसके वजह से जो मेडिसिन का इफेक्ट है काफी अच्छा देखने को मिलेगा। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, हम जो आयुर्वेद में जो मेडिसिन है रस यानी कि मर्क्यूरी, बहुत सारे मेडिसिन में हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं। अभी जो हमारा वेस्टर्न कंट्री है उनका मानना ये है कि मर्क्यूरी अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म में, तो वो हमारा जो किडनी है, लीवर है, इसको डैमेज कर सकता है, ठीक है, उनका ऐसा मानना है। मगर हमारे आयुर्वेद में अगर उसको हम लोग उसका शोधन करते हैं, उसका जब शोधन करते हैं उसको बहुत सारे प्रोसेस से जब वो जाता है तो अपने बॉडी को डैमेज नहीं करता, ऐसा अपने आयुर्वेद का मानना है, ठीक है। तो ये चीज बुक में लिखा हुआ है। अब इसी को हम लोग को साइंटिफिक वे मतलब क्या, जो वेस्टर्न लोग को वेस्टर्न साइंस कोई भी चीज पे कब विश्वास करता है, जब उसके पास हम लोग एक रिसर्च का प्रूफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को फिर से उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि हमारा जो आयुर्वेद है वहां तक भी पहुंच सके। कहां तक? वेस्टर्न वर्ल्ड तक, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि ये जो मर्क्यूरी है इसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसको अगर यूटिलाइज करते हैं तो इससे अपने बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर इसको हम लोग प्रॉपर डोज में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए और ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक को की मदद से हम लोग आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली वापस यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इस सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक जो टॉपिक है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसको एकदम सिंपल वे में और प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए हम लोग ने पूरे लेक्चर को एक सीरीज में बनाया हुआ है और वो पूरा सीरीज एक एक अलग अलग टॉपिक पे, एक एक वीडियो अलग अलग टॉपिक पे मिलेगा आपको। सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको एक एक लेक्चर मिलते जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक है हम लोग अब स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इसको एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हम लोग इसको आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टैटिस्टिक ए वर्ड सुना कब था? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 8th में सुना था, 9th में सुना था और 10th स्टैंडर्ड में सुना था। और अब डायरेक्ट हम लोग फाइनल ईयर के BMS में सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टैटिस्टिक है इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल स्टैटिस्टिक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सपोज अगर मैं किसी क्लासरूम में जाता हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए कि इस क्लास का सबसे होशियार बच्चा कौन है, ठीक है, सबसे होशियार यानी कि सबसे स्कॉलर बच्चा कौन है, ठीक है, तो ये अगर मेरे से पूछा जाएगा तो ये मेरे को बताना एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं किसी का फेस देख के नहीं बता सकता कि ये स्कॉलर है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक मेहनत करना होगा, यानी कि मुझे एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकता हूँ। तो अगर मैं उस क्लास में एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जाम कंडक्ट करता हूँ,
एग्जाम कंडक्ट करूंगा, उसके बाद जो बच्चों का जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे मैं एक बता सकता हूँ कि कौन से बच्चे ने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है, यानी कि सबसे ज्यादा स्कॉलर कौन है। ठीक है, तो जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा होगा वो बच्चा उस क्लास का स्कॉलर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि यहाँ पे जो मेरा पैरामीटर था, क्या था वो पैरामीटर, पैरामीटर मतलब क्या, जिससे मैंने पता लगाया कि बच्चों में स्कॉलर कौन है, पैरामीटर क्या था मेरा, एग्जाम था। ठीक है, दूसरा बात कि इस पता कैसे चला कि सबसे स्कॉलर कौन है, मार्क्स क्या था, मार्क्स, मार्क्स भी एक पैरामीटर ही हुआ। ठीक है, जो हम लोग को बता रहा है कि जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्कॉलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, अगर जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा है वो क्या है, वो स्कॉलर है। तो ये जो मार्क्स जो है, मार्क्स का एक वैल्यू है, एक नंबर है जो मुझे बता रहा है कि ये बच्चा स्कॉलर है। ठीक है, तो यही था एक स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक जो है वो लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब क्या होता है, स्टेटस, क्या होता है, स्टेटस, स्टेटस यानी कि इसका लेवल क्या है। तो अभी जो एग्जाम कंडक्ट किया था इसमें जो सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स था उससे मुझे पता चला कि उसका स्टेटस क्या है उस क्लासरूम में, सबसे सबका अलग अलग स्टेटस है, एक सबसे स्कॉलर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मुझे एक लेवल पता चल गया कि उस क्लासरूम में जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा था वो वहाँ का सबसे स्कॉलर बच्चा था। ठीक है, तो ये कैसे पता चला मुझे, जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें से मुझे बहुत सारे नंबर्स मिले और नंबर के बेसिस पर मैंने बताया, डिसाइड किया कि सबसे स्कॉलर कौन है। ठीक है, तो ये था स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टेटस। स्टैटिस्टिक जो है लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब क्या होता है, स्टेटस। ठीक है, एक एग्जांपल और लूंगा मैं, अगर हम लोग इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी की बात करेंगे तो कौन होगा, मुकेश अंबानी है। ठीक है, अभी जो मुकेश अंबानी है सबसे रिचेस्ट है। ठीक है, रिचेस्ट ये वर्ड हम लोग ने यूज किया कौन से बेसिस पे यूज किया है, ठीक है, उसके पास खाना ज्यादा है इस बेसिस पे, या फिर वो ज्यादा मोटा है इस बेसिस पे, कि या फिर उस पर ज्यादा पैसा है इस बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग ने कौन से बेसिस पे डिसाइड किया है, सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास, सबसे ज्यादा क्या है, पैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग ने बताया कि वो इंडिया का रिचेस्ट आदमी है। तो उसका जो लेवल है सबसे रिचेस्ट वाला, ये कौन डिसाइड कर रहा है, एक वैल्यू डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, एक वैल्यू, और वो वैल्यू कौन से फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में है। ठीक है, मनी के फॉर्म में है, वो डिसाइड कर रहा है कि इंडिया का सबसे जो रिचेस्ट आदमी है वो कौन है, मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझेंगे, स्टैटिस्टिक का जो फादर है, यानी कि स्टैटिस्टिक का जो इन्वेंशन किया है, जो इसको साइंस के फील्ड में लेके आया है, रिसर्च के फील्ड में लेके आया है, वो कौन है, सर अर्नोल्ड ए फिशर, जिसने क्या किया है, रोनाल्ड ए फिशर ने क्या किया है, स्टैटिस्टिक को साइंस से कनेक्ट किया है और उसका यूटिलाइज बताया है साइंस में। ठीक है, अब इसका बेसिक टूल क्या है, बेसिक टूल यानी क्या, जिससे हम लोग स्टैटिस्टिक को समझते हैं, स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं, वो क्या है, मेजरमेंट और इवेल्युएशन एंड रिसर्च। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, मेजरमेंट मीन क्या, कोई भी चीज को जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, और वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक में यूटिलाइज करेंगे। दूसरा इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग को अगर नंबर मिलता है वो नंबर के ऊपर हम लोग जो जजमेंट रखते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट आदमी था, मतलब और भी लोग होंगे, जो हम लोग ने कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी के पास था, तो इसलिए हम लोग ने बोला कि सबसे रिचेस्ट आदमी है। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन किया, जजमेंट हम लोग ने पास किया कि ये सबसे रिचेस्ट है, किसके बेसिस पे पास किया, पैसे के बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्या था, इवेल्युएशन, हम लोग ने उस नंबरिकल फैक्ट के ऊपर डिसाइड किया। फिर क्या था, फिर क्या है, रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या, हम लोग ने पूरा इंडिया को छानबीन किया कि भाई इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना पैसा है, बाद में हम लोग को पता चला मुकेश अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम लोग डेफिनेशन से समझेंगे और अच्छे से, क्या है, साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक क्या है, एक साइंस है जो क्या है, प्रोबेबिलिटी बताता है। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मेरे पास कोई पेशेंट अगर आता है, अगर वो बोलता है कि मुझे जॉइंट में पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, ठीक है, और उसका मैंने जब CBC काउंट कराया तो उसमें मेरे को प्लेटलेट थोड़ा सा कम मिला, ठीक है, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, इसको डेंगू हो सकता है, इसको मलेरिया हो सकता है। ठीक है, मैंने डेंगू और मलेरिया कौन से बेसिस पे बोला, उसको फीवर आ रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, प्लेटलेट उसका कम है, इस बेसिस पे मेरा जो डायग्नोसिस है वो ज़्यादा करके किधर जा रहा है, डेंगू की इधर जा रहा है, तो मेरा ज़्यादा कन्फ्यूजन है किस पे, डेंगू और मलेरिया भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मलेरिया में भी प्लेटलेट कम होते हैं,
तो मेरा जो ज्यादा करके जो डायग्नोसिस का फोकस हो किसके पे, डेंगू के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसके लिए उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग आगे का टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइंस ऑफ एस्टीमेट और प्रोबेबिलिटी, मेरा जो प्रोबेबिलिटी कहा था उस वैल्यू को देख के क्या बोलता है कि उसको डेंगू हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है उसका, एक दूसरा डेफिनेशन क्या उसका, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। मतलब क्या, सपोज किसी बंदे का, सपोज अगर मेरा बीपी अगर 120, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 है, मेरा रेस्पिरेशन विच इन अ नॉर्मल लिमिट यानी कि 17 रेस्पिरेटरी रेट मेरा 17-18 है, मेरा पल्स ऑक्सीमीटर यानी PO2 अगर 95% है, मेरा हार्ट बीट यानी कि पल्स रेट, अगर मेरा पल्स रेट 75 के रेंज में है तो मैं फिजिकली फिट हूँ। तो ये जो फैक्ट है जो डिसाइड कर रहा है, जो न्यूमेरिकल फैक्ट है डिसाइड कर रहा है कि ये इतना ही होगा, अगर ये इतना है तो बंदा फिजिकली फिट है, ठीक है। दूसरा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जो एकदम एक्चुअल डेफिनेशन है किसका, स्टैटिस्टिक का। क्या बोलता है, साइंस दैट डील्स विद द कलेक्शन ट्यूबुलेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर से एक बार, स्टैटिस्टिक क्या है, एक ऐसा साइंस है जो क्या करता है, कलेक्शन ट्यूबुलेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इसको समझने से, इसको थोड़ी देर के बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। उससे पहले और एक डेफिनेशन देखते हैं स्टैटिस्टिक का, जो क्या है, साइंस ऑफ एवरेज, ठीक है, साइंस ऑफ एवरेज। इसको भी हम लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे, क्या है साइंस ऑफ एवरेज। अब हम लोग समझते पहले डाटा होता क्या है, डेटा होता क्या है, डेटा मीन्स क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन, क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन। कोई भी पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। सपोज अगर मैं किसी गांव में गया, ठीक है, और मुझे बोला जाए कि इस गांव का एवरेज HB काउंट क्या है। एवरेज ऐसा क्यों पूछा जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है, सपोज अगर HB काउंट अगर कम है तो यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, फिर मतलब वो लोग एनीमिया वो लोगों को हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जब सर्वे करता है सब चेक करता है, ठीक है। तो अगर कम होगा तो लोगों को उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाएगा। सपोज अगर मुझे किसी तरह भेजा गया और बोला गया कि गांव का जो एवरेज HB काउंट क्या है ये पता करो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबके पास जाऊँगा, सबका ब्लड लूँगा, ब्लड लेने के बाद उसमें मेरा इंटरेस्ट किस में, HB में, किस में, HB काउंट में, किस में, HB काउंट में, और मैं वहाँ से सबका क्या करूँगा, HB कलेक्ट करूँगा, और जिसका जो HB होगा उसके नाम के आगे वो लिख के मैं सब कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे किसी का 11 मिलेगा, 12 मिला, 14 मिलेगा, 16 मिलेगा, 17 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मेरे को वैल्यूज मिलेंगे। तो ये जो वैल्यूज था ये क्या था, मेरा डाटा था। क्या था मेरा डाटा, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था जो कि गाँव था, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, अपना मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें से मैंने क्या निकाला, अपना जो डाटा था वो मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। अब इस डाटा को मैं क्या करने वाला हूँ, डाटा को कलेक्ट किया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्शन। कलेक्ट करने के बाद अब इसको मैं क्या करूँगा, इंटरप्रिटेट करूँगा कि इसमें मेल किस, इस डाटा को क्या करूँगा मैं, कलेक्ट करने के बाद अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस और ट्यूबुलेशन करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद अब इसको मैं थोड़ा एनालिसिस करूँगा, मतलब एनालिसिस करने के बाद क्या करूँगा, इसको देखूंगा थोड़ा अच्छे से, उसके बाद उसमें से जो मेल का होगा उसको मेल के कॉलम में रखूंगा, जो फीमेल का होगा उसको फीमेल के कॉलम में रखूंगा। उसके बाद इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब अब इसको एनालाइज करने के बाद, मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट हम लोग को क्यों भेजा था, जाके फाइंड आउट करने के लिए गाँव का एवरेज HB काउंट क्या है, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट किस में है, एवरेज HB काउंट, मतलब सब पॉपुलेशन का एक एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो उसका एवरेज HB काउंट क्या है ये मुझे बताना था, रिपोर्टिंग करना है किसको, गवर्नमेंट को। तो उसके लिए मेरे को भेजा गया था, ठीक है। अब मेरे को पूरा डाटा मिल गया, उसको मैंने टेबल में अरेंज किया, अब मैं सबका एवरेज निकालूंगा। जब मैं एवरेज निकाला मतलब उसका इंटरप्रिटेशन किया तो क्या मिला मेरे को, एवरेज HB ऑफ ए पर्सन, मतलब एक पर्सन का जो एवरेज HB कितना हो सकता है, 13 से 18 के बीच में हो सकता है, कितना, 13 से 18 के बीच में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, अगर मेल का HB चाहिए तो कितना हो सकता है, 14 से 16 के बीच में हो सकता है, कितना हो सकता है, 14 से 16 के बीच में हो सकता है। अगर मुझे फीमेल का एवरेज HB पूछा जाएगा तो कितना बताऊंगा मैं, 12 से 14 के बीच में
हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने इंटरप्रेट करके जो रिजल्ट निकाला वो किसके बेसिस पे निकाला, ये जो टेबल के अंदर जो डाटा मेरे को दिया गया था, ठीक है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला इसके बेसिस पे निकाला है, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको डेफिनेशन को समझते हैं। साइंस दैट डील्स विद कलेक्शन, ट्यूबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को मैंने कलेक्ट किया, उसके बाद उसको थोड़ा एनालिसिस किया, उसके बाद उसको एक अरेंज किया टेबल के फॉर्म में, उसका इंटरप्रिटेशन करके अब उसको प्रेजेंट किया डाटा को, ठीक है। इंटरप्रेट करके उसका एवरेज निकाला और ये डाटा मैंने प्रेजेंट किया और गवर्नमेंट को बताया कि इसका इतना एवरेज एच बी है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल से जो नॉर्मल एवरेज एच बी से अगर कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ के लोगों को आयरन स्टार्ट करेंगे, अगर नए अगर नॉर्मल रहेगा तो उसको हम लोग इतने पे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिक का यूज है इसमें मेडिकल फील्ड में। अब आगे देखते हैं हम लोग साइंस ऑफ एवरेज। इसको साइंस ऑफ एवरेज क्यों बोलते हैं हम लोग, समझ में आ गया आपको। एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का अगर मुझे बताना हो एक ही फॉर्म में, एक वर्ड में अगर बहुत सारे पॉपुलेशन का एचबी अगर बताना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, एवरेज। उसके बाद और भी देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक क्या होता है। अगर जब हम लोग स्टैटिस्टिक को बायोलॉजिकल पर्पज के लिए यूज करेंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायोस्टैटिस्टिक। अब बायोलॉजी में हम लोग इसको कहाँ पे यूज करेंगे, अभी पूरे अर्थ पे अगर हम लोग देखेंगे, पूरे प्लेनेट पे अर्थ के ऊपर, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल्स है, इससे बहुत सारा वेरिएशन है, ठीक है। तो उसको अगर एक जगह एक क्लास में अच्छे से टेबल फॉर्म में अरेंज करना होगा तो उसके लिए हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, साइंस द डील्स विद द कलेक्शन, ट्यूबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक। और ये हम लोग किस लिए यूज करेंगे, बायोलॉजिकल पर्पज के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक। मेडिकल स्टैटिस्टिक हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग स्टैटिस्टिक को मेडिकल के लिए यूज करेंगे तब आएगा ये मेडिकल स्टैटिस्टिक। मेडिकल की मतलब मेडिकल रिसर्च के लिए जब हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी रिसर्च में क्यों यूज करते हैं हम लोग, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी अगर हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है। तो ये पता कैसा चला होगा कि 120/80 होता है, ठीक है। तो इसके लिए जब बीपी अपैरेटस का डिस्कवर हुआ होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो जिसने बनाया होगा उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर लिया होगा, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों का लिया होगा उसने ब्लड प्रेशर, उसमें से उसने जब एवरेज निकाला तब उसको पता चला कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर काउंट होता है वो 130/80 होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मेडिकल का जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है, जो भी मेडिसिन आता है, उसको पॉपुलेशन पे जब ट्राई करते हैं, उसका जब एवरेज निकालते हैं, उसके बाद उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक का स्कोप क्या है, स्टैटिस्टिक का स्कोप क्या है, क्या है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। पहले क्या है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इसको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा एक पेशेंट है, उसका एच बी काउंट है 11, ठीक है, और वो सर्जरी के लिए जा रहा है। तो सर्जरी के लिए जा रहा है, सर्जरी में जाहिर सी बात है ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अगर उसका ब्लड लॉस हो सकता है तो उसके लिए मैं ब्लड रिजर्व करके मंगवा लूंगा। अगर लॉस हुआ तो हम लोग तुरंत उसको ब्लड लगा देंगे। तो ये जो मेरे को जो एक नंबर मिला कि उसका एच बी 11 है, जिससे मैंने डिसाइड किया कि सर्जरी में अगर इसका थोड़ा सा और ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट एनीमिक हो सकता है। तो ये मैंने डिसाइड किसके बेस पे किया, एक न्यूमेरिकल फैक्ट के ऊपर, जो मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब आगे अगर ब्लड लॉस हुआ तो मुझे ब्लड देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ब्लड नहीं लॉस हुआ फिर भी 11 है यानी कि थोड़ा सा तो कम होगा, तो मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको आयरन का टेबलेट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका फिर से हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग था वो किसके ऊपर बेस्ड था, मेरा एक स्टैटिकल डाटा जो कि उसका एच बी काउंट था, ठीक है। फिर बायोलॉजी में मैंने बताया क्या स्कोप है उसका। फिर एवोल्यूशन में, अभी एवोल्यूशन में इसका स्कोप क्या है, एवोल्यूशन सबको पता है कि जो हमारा जो लिविंग एक सिंगल सेल से आया है, तब से जो अब तक आया है, जो भी टाइमिंग पीरियड है उसमें जो जो चेंज हुआ है और जो टाइम पे हुआ है उसको हम लोगों ने नोट डाउन करके रखा है। इससे हम लोग एक आइडिया मिलता है कि ये टाइम से ये टाइम तक क्या चेंज हुआ था, ये टाइम से ये टाइम तक क्या चेंज हुआ है, ठीक है। जो टाइमिंग पे जो चेंजेस हुआ है ये हम लोगों ने नोट डाउन करके रखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, अभी 1000 साल पहले हमारा जो बॉडी का साइज था, वेट था, बहुत ही ज्यादा था, और अब हमारा जो साइज और वेट है बहुत थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो ये जो डिफरेंस है
इसको हम लोग स्टैटिस्टिक में देखते जाएंगे कि कहाँ पे जाके एकदम सडन चेंज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है इकोनॉमिक्स में, फिर आता है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में इसका स्कोप क्या है ये आप लोग ने अभी देखा। इसको मेडिकल साइंस में कोई भी नॉर्मल वैल्यू या फिर कोई भी जब रिसर्च कंडक्ट होता है उसका जो हम लोग को डाटा का एनालिसिस करके उसका जो फाइनल रिजल्ट निकालना होता है उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन रिसर्च, रिसर्च में इसका क्या यूज है। कोई भी रिसर्च जब कंडक्ट करेंगे हम लोग, कंडक्ट करने के बाद हम लोग को बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। अब वो वैल्यूज में कौन सा वैल्यूज कितना परफेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए हम लोग को स्टैटिस्टिक का मदद लगेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, उससे समझ में आएगा कि रिसर्च में स्टैटिस्टिक का क्या यूज है, जिससे हम लोग जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है उसका। जैसे कि मैंने बताया अभी, सपोज पर्सन का जो नॉर्मल पर्सन का जो एच बी काउंट होता है 13 से लेके 18 के बीच में होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब ये जो नॉर्मल वैल्यू काउंट है ये हम लोगों को कैसे मिला, बहुत सारा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर, जब रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से जब एवरेज निकाला, एवरेज जो वैल्यू मिला हम लोगों को, उससे हम लोगों ने बता दिया कि कोई भी पर्सन का अगर 13 से लेके 18 के बीच में है तो पर्सन नॉर्मल है, अगर उससे कम होता है तो पर्सन एनीमिक है, ठीक है। तो ये रिसर्च में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आयुर्वेद में कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, अगर आयुर्वेद में अगर देखा जाएगा तो जो कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन का जब हम लोग डोज डिसाइड कर रहे हैं, एकदम पतला है और मोटे आदमी का जो बुक में लिखा हुआ है उसका डोज अलग है, जब अगर मोटे और पतले में अगर हम लोग कोई एकदम फैट है तो जिसका बॉडी का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा बड़ा है, जो पतला आदमी है उसका वॉल्यूम एकदम कम है, तो इस टाइम पे जो हम लोग को जो डोज डिसाइड करना है ये एकदम थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक की मदद से पर केजी बॉडी वेट जो देना है हम लोग को मेडिसिन, कौन सा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग उसको मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च के बाद जो डाटा मिलता है उसको स्टैटिस्टिक के मदद से एडजस्ट करना पड़ता है कि पर केजी कितना होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, कितना वैल्यू होगा, ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक का जो इम्पोर्टेंस है रिसर्च में, समझ में आ। ये था हमारा स्टैटिस्टिक का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर। इस अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रिसर्च और स्टैटिस्टिक से रिलेटेड और बाकी के वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लस अगर आपको और भी कुछ टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। कमेंट में अगर आप बताएंगे तो उसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कुछ दिन के बाद उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर बनाने का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी रिसर्च स्टैटिस्टिक का ये पहला लेक्चर है मेरा, और ये ज़्यादा करके यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ट्राई कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बताइए कि रिसर्च और स्टैटिस्टिक का लेक्चर अब यूट्यूब पे मिलेगा, वो भी कहाँ पे, हमारे चैनल पे मौर्या पब्लिकेशन, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।